Good morning guys, it's day 54 of 120 days weight loss journey. Hey Teddyans, आ गई आपकी टेडी। चलिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए और हाँ घंटी बजाना मत भूलना। एंड आज ऐसा है, मैं जा रही हूँ यूट्यूब क्रिएटर्स मीट पर, तो सुबह थोड़ा अच्छा नींद लेना था, ज्यादा नींद लेना था, तो 11:30-12 सोकर भी आई वोक अप एट 7 o'clock, सो मीन 7 hours की नींद मुझे अच्छे से मिल चुकी है। एंड वो अलार्म से दिमाग में बज जाता है यार 7 से पहले उठने का, आई डोंट नो हाउ बट इट हैपेंस। एंड अब मैं लेती हूँ अपना वार्म वाटर, मैं नहा कर भी आ गई हूँ। राइट नाउ द टाइम इज 9:15, तो सारा काम सब कुछ हो गया एंड मैं नहा कर भी आ गई अभी। मैं ना आज के दिन में इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो नहीं करूंगी क्योंकि होल डे आई बी आउट एंड स्कूबी अली का तो टेंशन है नहीं क्योंकि मेरी नेबर फ्रेंड है, वो घर पर रुकने वाली है, तो इट विल बी ग्रेट। आप लोग पूछते रहते हो ना कि मेरा कैमरा कौन पकड़ता है जब मैं बाहर जाती हूँ, तो स्कूबी अली के साथ कौन रहता है, तो मेरी नेबर की फ्रेंड है, उनकी बेटी रहती है, शी इज नॉट दैट मच स्मॉल बट या शी इज मेबी 14-15 ईयर्स की होगी एंड तो वो मेरी हेल्प बहुत कर देती है। सो मैं ये कह रही थी कि बाहर जाऊंगी, आई लाइक इंटरमिटेंट फास्टिंग का कोई चांस ही नहीं है आज, और मैं नहीं चाहती कि कुछ भी अनाप शनाप खाऊ 12 के टाइम पर, तो इसलिए मैं घर से नाश्ता करके जाऊंगी एंड मुझे वहां पर पहुंचना है 3:30, द इवेंट विल स्टार्ट बाय 4 o'clock बट आई हैव टू रीच बाय 3 o'clock, तो मैं जल्दी ही निकलूंगी ताकि मैं बिल्कुल भी लेट ना हो, भले मैं 1 या 2 ही क्यों ना पहुंच जाऊं। और इवेंट खत्म होगा 7:00, तो ऑलमोस्ट मेरे को घर रिटर्न पहुंचने में तो 9-10 बज जाएंगे। ओके तो चलिए अब लेते हैं अपना वार्म वाटर फटाफट। ओके सो हियर्स माय ब्रेकफास्ट गाइस, द टाइम इज 9:15 एंड चलिए इडली लेते हैं। मैंने एक प्लेट इडली ली, अभी 4 इडली आएंगी इसमें और ये छोटी छोटी है मस्त एकदम, तो हैविंग इट विथ सांबर एंड दिस रेड चिली एंड इसकी चटनी मस्त लगती है। बहुत बढ़िया लगती है ये चटनी मेरे को, मस्त। चलो आई फिनिश माई ब्रेकफास्ट, फिर मुझे रेडी होना है क्योंकि उसके बाद फिर मुझे रील भी बनाने हैं जाने से पहले। अब ना रेडी होने की तैयारी करते हैं, अभी टाइम हो रहा है 10:15, ब्रेकफास्ट हो गया और सुबह सुबह नहाने से पहले तो सारा घर का काम हो गया एंड मैं सोच रही हूँ मैं ना हेयर पूरा स्ट्रेट कर लूँ, ठीक है, तो चलिए अब लगते हैं हेयर स्ट्रेटनिंग पर क्योंकि मुझे 12 o'clock को घर से निकलना है किसी भी हालत में। ओके सो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग विद द हेयर स्ट्रेटनिंग, तो ऑरेंज एंड संतरा, ऑरेंज एंड मौसम्बी का जूस बना लिया है। चलो अब मस्त। एक्चुअली ना मैंने आप सब लोगों के कहने पर एक ड्रेस फाइनल किया और मैंने उसे ट्रायल करके देखा कि मुझे लगा कुछ फिटिंग विटिंग करे क्या वगैरह, ऐसा ट्रायल करके देखा तो इतना परफेक्ट आया, हालांकि थोड़ा सा लूज है बट मैं नहीं चाहती कि वो और ज्यादा फिटिंग ऐसे करूँ और मैं उसमें एकदम घुटन सी फील करूँ। तो ना कौन सा वाला ड्रेस आप लोगों ने, मतलब मैंने एक पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम पर, अभी देख रहे हो आप, तो ये स्टोरी मैंने डाली थी जिस पर लोगों को पोल करना था कि मैं कौन सा पहनूं ड्रेस आज के इवेंट पर, तो बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन 2 सिलेक्ट किया है, बहुत सारे यानी कि 80% लोगों ने ऑप्शन 2 ही सिलेक्ट किया है। तो वो मैंने ट्रायल करके देखा एंड ऐसा हुआ ना, पहले कैसे था वो ना थोड़ा स्ट्रेचेबल कपड़ा है, हैवी स्ट्रेचेबल कपड़ा है, पहले ना उसको ऐसे घिस घिस कर ऐसे एकदम ढुसा कर पहनती थी और वो स्ट्रेच हो जाता था अच्छे से एकदम ये, लेकिन अब उसको क्या बोलते एकदम इजीली पहन पाई, प्रॉपर शेप दिख रहा है बॉडी का, सो अमेजिंग। तो अभी मैं हेयर स्ट्रेटनिंग कर लेती हूँ अपने एंड देन फिर मैं हल्का हल्का अपना सिंपल सा आईलाइनर लगाऊंगी, ब्लशर लगाऊंगी एंड देखती हूँ हल्का काजल लगाती हूँ या नहीं क्योंकि नजर तो लगनी है बाय गॉड तो थोड़ा सेफ्टी के साथ चले हैं कि नहीं, फटाफट अभी रेडी हो जाते हैं। मेकअप तो मैं कुछ करती हूँ नहीं अब। गाइस आई एम रेडी, ऑफ कोर्स इस ड्रेस का भी बिफोर एंड आफ्टर करेंगे एंड अभी चलते हैं। बाबू ए बाबू बाबी, बिल्कुल भी त्रास नहीं देने का दीदी को, समझे समझे,
मैं आता है शाम तक, ठीक है? ओके चलो देन, आई टेक अ लीव एंड बढ़िया से आई गो एंड एंजॉय माय यूट्यूब सिलेक्टिव क्रिएटर्स मीट. स्कूबो Scooby, bye. Tada. okay. तो मेरे निकलने के टाइम पर कुछ ना कुछ होना ही है, and that's obvious. As I told you, I'm so much cluttered person. तो जो सैंडल मैंने पहनी थी वो टूट गई, जिस वजह से मुझे फिर से ऊपर जाकर सैंडल चेंज करके आना पड़ा. एंड अब मजबूरी में हील वाली सैंडल पहनी, मजबूरी में. I'm not at all habitual of heel in public area या in such events. I like to be very comfortable. But मैंने dress ही ऐसा choose किया है, of course आप लोगों के कहने पर, कि मुझे उस पर कुछ भी करके sandals ही पहनने पड़ेंगे, ना कि shoes. वरना मेरा तो पूरा plan था कि मैं shoes पहनूं. But चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, right? So अभी ये वाले heels पहने हैं मैंने. And I'm in my Uber tag. बिरकार भी चलते हैं एंड इवेंट अटेंड करते हैं. बहुत टाइम बाद कार में बैठी ना, सो आई वॉज फीलिंग वेरी डिजी एंड ड्राइवर भी बहुत रफ ड्राइवर था, तो इसलिए मुझे रास्ते पर दिख गया एक बाटली सोडा वाला, तो बिना शक्कर का मस्त ये सोडा ले लिया जीरा डालकर. Event is at Diablo Mumbai and just 5 minutes I'm away from it and yeah, super excited. और क्या है वो? बोलो दीदी वो क्या है? राजमा चावल. Okay guys, तो I'm thinking, मतलब अभी तो मैं घर जा रही हूँ and बाकी जो अपडेट है आज का, हालांकि मेरा जो लंच है वो, यानी कि डिनर, वो प्रॉपर 6:15 को हुआ, तो दैट वाज ग्रेट साइन कि वहाँ पर, क्योंकि इवेंट में भी जो हमें फूड सर्व हुआ था दैट वाज अराउंड 6:15. तो चलो, मतलब मेरा सिर्फ सुबह के टाइम पर इंटरमिटेंट काउंट प्रॉपर नहीं हुआ, बट शाम के टाइम हुआ, तो इट्स ओके. आज का दिन वैसे भी हम इंटरमिटेंट फास्टिंग को काउंट नहीं करेंगे. ओके, रेस्ट एवरीथिंग वाज गुड. बाकी वहाँ पर क्या क्या था वो सब मैं आप लोग को एक बार घर पहुंचू फिर आराम से बता दू, ठीक है? ये डोगो को देख लिया तो ऐसा लग रहा है अभी स्कूबी वाली की और ज्यादा याद आ रही है. जल्दी जल्दी घर पहुंचू बस. कितना देर दिखा रहा है यार? एक घंटा. बाप रे, और एक घंटा. ओए मम्मा, ड्रेस फट जाएगा ना, मेरे दिक्का. कैसे तुम बाबा, कैसे है तुम? ओके आ जाए इधर. हाँ आ जाए, आ जाए. अरे रब्बा, अरे अरे क्या मेरा बच्चा. चल आ जा. ओके, देखते हैं अपने को यूट्यूब से क्या मिला, ठीक है? सिट, आ जाए. अरे अरे, मेरे को लगा ही था कान का वाट लगा ही था इसको. ना ना, बैग ही को छोड़ो. चलो चलो, मम्मा को सैंडल निकालने दो. बाबू चलो गाइस, आज का व्लॉग करते यहीं पर एंड एंड मिलती मैं आप लोगों से कल. तो हालांकि थोड़ा बहुत चीट हो गया, एज एन ऑप्शन नहीं था वहाँ पर वीट की रोटी वगैरह ऐसा कुछ, तो मैदे की ही खानी पड़ी, लेकिन हाफ खाई मैंने. पीसेस में था तो मैंने बस हाफ खाया. एंड राजमा था और उसके बाद राइस था एंड
वेज वाला जो क्या बोलते हैं ग्रेवी चाइनीज का वो था, तो ये ले लिया मैंने बस. और क्या बोलते हैं वो गुआवा जूस ये था. ओके, तो ये ले लिया था मैंने मेरे डिनर में. और डिनर मैंने कर लिया था 6:30 तक. ओके, तो 6:30 तक भी इवेंट खत्म भी हो गया था एंड तब तक हमारा डिनर भी खत्म हो गया था. तो दैट वाज ग्रेट कि शाम के टाइम पर इट वाज लेवल, मेरे को देर रात नहीं हुई खाने के लिए. ठीक है, चलिए, बहुत थक गई हूँ, अब सो जाऊंगी. जाने में 3 घंटा, आने में 3 घंटा, वहां पर 4 घंटा. हो अभी सो जाते हैं, मिलती मैं आप लोगों से कल. सो गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री राम, राधे राधे.